अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? बेटा आपके ठीक ठाक हैं। अच्छा बेटा, आज के इस लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.16 को। इसके अंदर हम ऑपरेशंस ऑन सेट मींस के डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो सेट के ऊपर हम करेंगे। उसमें हम यूनियन लेंगे, इसमें हम इंटरसेक्शन लेंगे, कम्प्लीमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो और भी इसमें डिफरेंस भी होगा, मींस के सेट्स के ऊपर जितने भी ऑपरेशन होते हैं अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो यह है बेटा, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज आप गल करांगे क्वेश्चन नंबर 1 दी, मशक 1:16 दी। आज सीधा पंजाबी चलूगा। हाँ जी बच्चों, तो इसका हमने देना है यूनियन। तो यूनियन में कहता है हमने उसको डिनोट करना होता है। यूनियन में बेटा ये होता है कि अगर दो सेट्स के अंदर जो चीज़ें मुश्तरिक हों, जो चीज़ें कॉमन हों, जो ए सेट में भी हो बी सेट में भी मौजूद हो, तो वो हमारा जो है वो यूनियन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका भाई सॉल्यूशन, इसको हम डिनोट करेंगे ए यूनियन बी। इसको लिखेंगे ए वाला सेट 1, 3, 5, 7, ठीक है। फिर यूनियन बी वाला सेट 2, 4, 6, 8। अब इनका हम ले लेंगे यूनियन। यूनियन में क्या आ जाएगा, मतलब कि जो चीज़ें मुश्तरिक हैं वो एक दफ़ा आ जाएंगी, जो नहीं है मतलब इसमें है इसमें नहीं है वो इकट्ठे ही यूनियन में। जैसे 1, 2, 3 है इधर नहीं है, 3, 4 है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ये बेटा हमारा यूनियन आ गया, ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व आउट कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे इसी के थर्ड सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में कहता है कि मेरे पास ए है एबीसी, नहीं सॉरी सी है, सेट सी मेरे पास मौजूद है ए बी एंड सी। इसी तरह अगर इसके डी पार्ट है मेरे पास, इसका मींस के डी सेट है एक्स वाई एंड जी। जी बेटा, इसका हमने यूनियन फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन सी यूनियन डी। सी का सेट लिखें ए बी सी यूनियन एक्स वाई जेड, ठीक है। तो पुत्र आप यूनियन मालूम करने लगे इन्हों का। एक सेट दे विच ए बी सी, मतलब कि ए बी सी शुरू हो रही है, दूसरे सेट दे विच पुत्र अपने को एक्स वाई जेड मीनस के ए बी सी एंड हो रही। एक सेट में शुरू हो रही है, स्टार्ट हो रही है, एक सेट च खत्म हो रही है, ठीक है। तो आप इन्हें लेना यूनियन सी यूनियन डी। हाँ जी, इन्हों के कड़ी कड़ी चीज़ कॉमन आ, कोई भी कॉमन नहीं। आ जाएगा ए बी सी एक्स वाई सी, तो पुत्र ए अपना हो गया यूनियन, ठीक है। यदा तीसरा पार्ट तुम खुद करना, ये सारा कुछ तुम सीख चुके हो हूँ तक। हूँ आप गल करेंगे 1:16 मशक के दूसरे सवाल की। हाँ जी पुत्र, अगर इसके हम दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरे सवाल के अंदर हमने इंटरसेक्शन लेना है, मींस के हमने इसका तुकाते लेना है। अब पुत्र आप जो है वो गुलाबी उर्दू सीखेंगे, साथ साथ पंजाबी भी और साथ साथ उर्दू भी, ठीक है। तो लेक्चर को एंजॉय भी करें। तो ये भाई हमने इसका लेना है यूनियन फाइंड करना है, नहीं सॉरी इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में बेटा उसको हम डिनोट करेंगे, मतलब उसको जाहिर करेंगे ए ऐसे उल्टा यू, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए तुकाते बी। पहले ए का सेट लिखें जमा माइनस 2 जमा माइनस 3 अपुस ऑन, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन 0, 1, 2, 3। तो भाई इनमें इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन ये है कि जो चीजें कॉमन है बेटा, जो रकम इसमें भी हो और जो रकम इसमें भी हो, मतलब दोनों सेट के अंदर मुश्तरिक हो, दोनों सेट में हो, मतलब दोनों सेटों के विच होवे, इहदे विच भी होवे, उही रकम इधर भी होवे, इधर भी नजर आ रही होवे, फिर वो इंटरसेक्शन दे विच तुकाते दे विच आ जाएगी। जैसे 0 इधर भी है, ये ए तुकाते भी इधर भी है, एक दफा आ गया। फिर इधर जमा का 1 है, इधर जमा माइनस 1 है, तो जमा का 1 आएगा, इधर जमा का 2 है, इधर जमा माइनस 2 है, जमा का 2 आ जाएगा, फिर जमा का 3 आ जाएगा, बस।
ये हमारे पास जो है इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। इसी के दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट के अंदर बेटा कहता है कि हमारे पास सी है 3, 6, 9, 12, 15, सी इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12 एंड 15, और हमारे पास जो डी है वो हमारे पास है बेटा इसका 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। तो इसका हमने इंटरसेक्शन मीन्स कि इसका हमने तुकाते लेना है, सी इंटरसेक्शन डी। हाँ जी, सी लिखें पहले 3, 6, 9, 12, 15, फिर इंटरसेक्शन डी लिखें 1, 3, 5, 7, 9। अब इनका जो इंटरसेक्शन मीन्स के जो चीज़ें इसमें मुश्तरिक हैं वो आ जाएंगी, 3 मुश्तरिक है आ जाएगा। उसके बाद हम इनका कर लेते हैं मवाजना, इस सेट का इस सेट के साथ 3 है इधर भी है आ जाएगा, 6 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 9 इधर है इधर भी है आ जाएगा। इस तरह और कुछ भी रकम नहीं है जो इधर भी हो 3 और 9 के अलावा। तो ये हमारे पास जो है इसका इंटरसेक्शन फाइंड हो गया। इसी का अगर तीसरा पार्ट की बात करें तो वो ए बी सी डी है, मीन्स कि वो आप लोगों ने खुद करना है बेटा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।